नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ शबनम। अगर कोई विधायक या सांसद पैसे लेकर सदन में भाषण दे या फिर वोट दे तो क्या उस पर मुकदमा चलेगा या फिर इस तरह के रिश्वत वाले मामले में उसे राहत मिल जाएगी, वो भी जनप्रतिनिधि हासिल प्रिविलेज कानून के तहत? तो इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने बेहद अहम और ऐतिहासिक फैसला सर्वसम्मति से सुनाया। ये फैसला सुनते ही न सिर्फ घोटालेबाज बल्कि इस तरह के खेल में फंसे सांसदों विधायकों के हाथ पांव फूल गए। ट्विस्ट पर आए, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनवाते हैं। वोट के बदले नोट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 7 जजों की बेंच ने 1998 के फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा, रिश्वत मामलों में एमपी एमएलए मुकदमे से नहीं बच सकते। एमपी एमएलए अनुच्छेद 105(2) और 194(2) की आड़ लेकर घुसखोरी के मुकदमे से बच नहीं सकते। 1998 के फैसले में इन्हीं दो प्रावधानों का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों विधायकों को इम्यूनिटी दी थी। ये इम्यूनिटी सदन के अंदर भाषण या वोट के सिलसिले में थी। सुप्रीम कोर्ट ने ताजा फैसला जेएमएम नेता सीता सुरेन की अपील पर दिया। तो इस फैसले से तमाम उन विधायकों को झटका दे दिया है जो रिश्वतखोरी के आरोपों में घिरे हुए हैं, क्योंकि अब रिश्वतखोरों पर रिश्वतखोरी के आरोप में केस चलेगा। आज सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया है और 7 जजों ने एक मत होकर कहा है कि सांसदों और विधायकों के द्वारा पैसा लेके सवाल पूछना, पैसा लेके भाषण देना और पैसा लेके राज्यसभा के चुनाव में वोट देना या लोकसभा में पैसा लेकर वोट देना, ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार माना जाएगा, करप्शन का केस माना जाएगा और ब्राइबरी के अंतर्गत इसमें मुकदमा दर्ज होगा। मामला पहले भी आ चुका है, जब नरसिंह राव सरकार अल्पमत में थी उस समय नोटों की गड्डियां लहराई गई थी और वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक आया। लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट में जब 5 जजों में से 3 जजों ने ये कहा कि चूंकि जो नोटों की गड्डियां लहराई गई हैं, जो कैश हुआ है, कैश का लेन देन हुआ है वोटिंग के लिए, वो पार्लियामेंट में हुआ है, इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा। उस समय भी 2 जजों ने कहा था कि नहीं, नोटों अगर पैसा लेन देन हुआ है, चाहे वो संसद में हुआ या विधानसभा में, मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन 2 जज कम हुए, माइनॉरिटी थे, 3 जज मेजॉरिटी थे। तो उसके बाद से आज तक जितने भी ऐसे केस आए, कभी भी सांसद विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अब आज 7 जजों की बेंच ने एक मत से कह दिया है कि कोई भी सांसद अगर पैसा लेके सवाल पूछता है संसद में, पैसा लेके स्पीच देता है संसद में या पैसा लेके संसद में वोटिंग करता है, तो उसको कोई इम्यूनिटी नहीं रहेगी, कोई विशेषाधिकार नहीं रहेगा। नोट के बदले खेल करने वालों को अब किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो महुआ मोहित्रा हो या फिर शिव सुरेन। तो चलिए अब बताते हैं कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है और किसे किसे झटका लगा है। इस मसले पर 1993 से लेकर अब तक तकरीबन 30 बरस अदालत की कार्रवाई चली। केस में कॉमन कड़ी झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिव सुरेन का परिवार है। शिव सोरेन और उनकी पार्टी के 4 सांसदों पर 1993 में सनसनीखेज आरोप लगे कि इन लोगों ने रिश्वत लेकर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की। सीबीआई ने इन सांसदों के खिलाफ जांच शुरू की। दूसरी तरफ शिव सोरेन अदालत गए और बतौर सांसद विशेषाधिकार होने की बात कही, दलील दी कि संविधान के अनुच्छेद 105(2) के तहत उनको ऐसे मुकदमे से छूट दी जाए। पीवी नरसिन्हा राव बनाम सीबीआई नाम से सुने गए इस केस में सर्वोच्च अदालत ने 1998 में फैसला सुनाया। तो उस वक्त 3-2 के बहुमत से 5 जजों की पीठ ने तब ये तय किया था कि सांसद पैसे लेकर सदन में वोट या भाषण भी अगर दे तो उनको आपराधिक मुकदमे से छूट दी जाएगी। इसी वजह से उस दौरान अदालत ने सोरेन और दूसरे सांसदों के खिलाफ केस को रद्द कर दिया। लेकिन फिर मामला तब अटका जब 2012 में राज्यसभा चुनाव हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी पर भी चुनाव में वोट के बदले रिश्वत देने के आरोप लगे। आपराधिक मामला दर्ज हुआ। सीता सोरेन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन 2014 में रांची हाईकोर्ट ने मामले को रद्द करने की अपील को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सीता सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, हवाला दिया कि जिस तरीके से ससुर को छूट मिली, उन्हें भी संवैधानिक प्रावधान के तहत छूट मिले।
20 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे में छूट वाले 1998 के फैसले पर फिर से विचार की बात कही और तब इस मुकदमे पर विचार के लिए 7 जजों की बेंच का गठन हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 1998 के आदेश को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ सीता सोरेन के तर्कों को गलत माना है बल्कि 1998 के 5 जजों के फैसले को भी पलट दिया है, जिससे न सिर्फ सीता सोरेन मुश्किलों में फंस गई हैं, बल्कि कई जनप्रतिनिधियों के राजनीतिक भविष्य भी खतरे में पड़ने वाले हैं। तो चलिए जाते जाते सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय के बयान को सुनवाते हैं, उन्होंने बारीकी से इस मुद्दे को समझाया है। इसी तरीके से कोई विधायक पैसा लेके सवाल पूछेगा, पैसा लेके राज्यसभा में वोटिंग करेगा, पैसा लेके विधानसभा में वोटिंग करेगा या पैसा लेके किसी के पक्ष में कोई स्पीच देगा, तो उसके खिलाफ भी ब्राइबरी का मुकदमा चलेगा। जैसे तहसीलदार या पेशकार या हवलदार थानेदार के खिलाफ मुकदमा चलता है, वैसे ही एमएलए एमपी के खिलाफ भी चलेगा। एमएलए एमपी की जो इम्यूनिटी है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो संविधान में सांसद और विधायक को विशेषाधिकार दिया हुआ है वो अच्छी स्पीच देने के लिए दिया हुआ है, वो फ्री स्पीच के लिए दिया हुआ है, वो संसद और विधानसभा में जनहित के मुद्दे उठाने के लिए दिया हुआ है, वो भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं दिया हुआ है। लेकिन उस संविधान के प्रावधान का जो उनको विशेषाधिकार दिया हुआ था उसका अभी तक गलत उपयोग होता रहा। महुआ मित्रा के केस में ये हुआ कि महुआ मित्रा का जब केस ये प्रूव हो गया कि उन्होंने पैसा लेके सवाल पूछा है तो उनको सस्पेंड तो कर दिया गया, उनकी सदस्यता चली गई, लेकिन महुआ मित्रा के खिलाफ क्रिमिनल केस नहीं शुरू हुआ, महुआ मित्रा के खिलाफ ब्राइबरी वाला मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अब इस फैसले के बाद महुआ मित्रा के खिलाफ ब्राइबरी का मुकदमा भी चलेगा, या सीता सोरेन जो शिबू सोरेन के परिवार की थी, जो ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया था, उसमें सीता सोरेन ने पैसा लिया राज्यसभा चुनाव में वोट देने के लिए, लेकिन बाद में जब पकड़ी गई तो उन्होंने अपना विशेषाधिकार का हवाला दिया, तो अब उनका भी जो मुकदमा है वो कोर्ट में जाएगा और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का जो मुकदमा है उसमें विशेषाधिकार का जो उनकी ढाल थी वो अब खत्म हो चुकी है। मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि एमएलए एमपी के द्वारा पैसा लेना ये डेमोक्रेसी के लिए पॉइजन के समान है, डेमोक्रेसी के लिए कैंसर के समान है, इस पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। और अब अच्छी बात यह है कि सांसदों विधायकों के लिए पूरे देश में एमएलए एमपी कोर्ट बनी हुई है, 350 से ज़्यादा सांसदों विधायकों को सजा भी हो चुकी है, आज़म खां को ही, अब्दुल्ला आज़म को ही, मुख्तार अंसारी को ही, अफजाल अंसारी को ही, अतीक अहमद को ही, अशरफ अहमद को ही, तो 350 सांसदों विधायकों को सजा हो चुकी है। लेकिन जो ब्राइबरी वाला केस था वो चलता नहीं था, इस फैसले के बाद ब्राइबरी का केस भी चलेगा और ब्राइबरी का केस भी एमएलए एमपी कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएगा, तो साल भर के अंदर इसका भी फैसला होना शुरू हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले टाइम में सांसद और विधायक पैसा लेके सवाल पूछने, पैसा लेके स्पीच देने और पैसा लेके वोटिंग करने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ मुकदमे का रास्ता खोल दिया है।